यूपी लेखपाल का दर्द सुन लीजिए। एक बार इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 2021 में हुई थी। अगस्त 2021 में पेट का पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट नवंबर 2021 में आया। उसके बाद लेखपाल का नोटिफिकेशन दिसंबर 2021 में आया था। लेखपाल का मेन पेपर 31 जुलाई 2022 को हुआ था। उसके बाद मई 2023 में मेन पेपर का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। अक्टूबर नवंबर 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। 30 दिसंबर 2023 को फाइनल रिजल्ट का आयोग द्वारा जारी कर दिया जाता है और सभी की फाइल राजस्व परिषद जनवरी में ही पहुंचा दी जाती हैं। इस समय प्रक्रिया काफी तेज चल रही होती है और सरकार जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के मोड में भी दिखाई देती है। जल्द ही मंडल आवंटन, जिला आवंटन और उसके बाद तहसील आवंटन कर दिया जाता। सभी जिलाधिकारियों द्वारा 29 जनवरी तक लेखपाल के पद नियुक्त किए जाते हैं। लेटर भी जारी किया जाता और ये सारी जानकारी जिले की वेबसाइट पर भी जिलाधिकारी के आदेशानुसार अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी करवाया जाता है, वो भी एक दिन के अंदर, और 3 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा ली गई। योगदान आख्या भी लिखवाई जाती है और पिछली नौकरी से त्याग पत्र भी मांग लिया जाता है और लोग अपनी 2 तहसीलों में भी पहुंच जाते हैं। आई कार्ड छप गए, बस अब इंतजार था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके हाथों से नियुक्ति पत्र दिया जाना था। 23 फरवरी का दिन भी वाराणसी में निश्चित कर दिया जाता है। सभी का यूनिफॉर्म कोड सफेद शर्ट और काली पैंट, काले जूते पहनकर जाना है, लेकिन उसके एक दिन पहले कोई कोर्ट में केस लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया जाता है और पहली तारीख मिली 22 मार्च को बोला गया कि 4 सप्ताह के अंदर सभी केस हाई कोर्ट में खारिज करवा कर आओ। हाई कोर्ट में एक ही महीने में सारे केस खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट में हैप्पी होली बोलकर मिलती है। अगली तारीख फिर तारीख पर तारीख मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 22 मार्च से 8 अप्रैल, 29 अप्रैल और 8 जुलाई, 8 और 29 को सरकारी वकील नहीं पहुंचते हैं। इस तरह से 6 महीनों से लेखपाल ज्वाइन करके भी घर पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।